नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 2 अगस्त 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देख लेते हैं हमारा सबसे पहले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे पूछा था किस राज्य में रोजगार पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो रोजगार बाजार नाम का ये रोजगार पोर्टल है, इसको शुरू किया गया है दिल्ली में। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी एक नई पहल है। और ये क्या करेगा, ये एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा, जहां जॉब सीकर्स और जॉब क्रिएटर दोनों होंगे, नौकरी चाहने वाले और नौकरी देने वाले। इसके लिए यहाँ पे एक मुफ्त वेबसाइट, जो कि यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं jobs.delhi.gov.in, इसको दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे जॉब्स को प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब इसको दिल्ली में किया गया है, तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल है और यहाँ पे जो उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल है। और आगे बढ़ते हैं, और आज के इस वीडियो की PDF आपको अवेलेबल रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य में चलाया गया है। तो इसे चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में अभी एक और जन जागरूकता अभियान जो चलाया गया था वो क्या था, रोको टोको अभियान। और इन दोनों अभियानों का जो एक ही मकसद है, क्या मकसद है, लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना, उनको जागरूक करना। अब यदि इस अभियान की हम बात करें, एक मास्क अनेक जिंदगी, तो ये प्रारंभ किया गया है अभी 1 अगस्त से और इसे चलाया जाएगा 15 अगस्त तक। और इसके तहत जो है गरीब लोगों को मास्क भी फ्री बांटे जाएंगे, ठीक है। और इसे चलाया गया है मध्य प्रदेश में, तो आप सभी को याद रखना है मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं। और अभी हाल ही में यहाँ के जो हैं गवर्नर, उनकी मृत्यु हुई है और उनकी जगह है, उनका प्रभार आनंदीबेन पटेल को दिया गया है, जो कि पहले से ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हाल ही में किस देश ने मार्स रोवर परसिवरेंस लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है अमेरिका ने, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा। तो नासा ने जो है ये मार्स रोवर परसिवरेंस लॉन्च किया है। तो मार्स से ही आप समझ गए होंगे ये मंगल ग्रह पर जाएगा, इसको भेजा जाएगा। और इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा वहाँ की मंगल ग्रह की तस्वीरें और आवाज़ को रिकॉर्ड करना। साथ ही साथ इसका एक और बड़ा काम क्या रहेगा, ये वहाँ जो पहले से सैटेलाइट भेजे गए हैं उनकी निगरानी करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए पहले से एक जो जैसरो क्रेटर, जो पहले से एक वहाँ पर रोवर मौजूद है, उसके पास ये लैंडिंग करने का प्रयास करेगा और वहाँ की निगरानी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। किसने ITBP को सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी देखिए KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन इसने क्या किया है, इसने अभी ITBP के साथ जो है सरसों के तेल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इससे होगा क्या, देखिए इससे आत्म भारत अभियान को जो है बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और जो स्वदेशी उत्पाद है उनको, उनकी बिक्री बढ़ेगी, तो जो है मुद्रा जो है वो विकसित होगी, हमारी मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। अटल इनोवेशन मिशन ने बाधवानी फाउंडेशन और किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। तो अटल इनोवेशन ने जो है बाधवानी फाउंडेशन के साथ साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है उसके साथ समझौता किया है। आप सभी को याद होगा अटल इनोवेशन मिशन, जो कि है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत में अपनी तरह की पहली एक पहल है। और ये क्या करता है, हाई क्वालिटी स्टार्टअप बनाने पर एक केंद्रित है, ठीक है। तो अभी और इसमें कौन जुड़ा है, इसमें जुड़ा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं,
अब देखिए इस अटल इनोवेशन मिशन को चला कौन रहा है, नीति आयोग। चलिए नीति आयोग को जान लेते हैं। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। और आपको याद रखना है नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगली न्यूज़ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं, तो अभी हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने हैं। और ये 2010 के बैच के IAS अधिकारी हैं और अभी हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और अभी ये वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है उप सचिव के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, चलिए। और इस पिछले साल जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने कार्य करना शुरू किया उसके पहले ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी अगली न्यूज को। भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह किस देश की संसद में पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो भारतीय मूल के जो राजनेता हैं प्रीतम सिंह ये बने हैं सिंगापुर के संसद में नेता प्रतिपक्ष। और उनकी पार्टी ने कुल आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती हैं। और अभी तक सिंगापुर के इतिहास में देखिए कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया, लेकिन इस बार विपक्ष काफ़ी कमजोर है तो इसको इनको जो है भारतीय मूल के जो ये राजनेता हैं प्रीतम सिंह इनको नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। अब बात सिंगापुर की करें यदि, तो राजधानी यहाँ की सिंगापुर सिटी है। राष्ट्रपति वर्तमान में हलीमा याकूब हैं। प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं ली सियन लूंग और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज को। हाल ही में किस कंपनी ने अपने समर्थ कार्यक्रम के जरिए देश भर में 6 लाख से अधिक विक्रेताओं को ऑनलाइन मंच पर आने के लिए योजना बनाई है, तो अभी ये जो योजना बनी है ये किसके लिए बनाई है, फ्लिपकार्ट ने बनाई है। फ्लिपकार्ट के ये समर्थ कार्यक्रम है और फ्लिपकार्ट के समर्थ कार्यक्रम के जरिए होगा क्या, ये जो कारीगर हैं, बुनकर हैं, शिल्पकार, हथकरघा, ये सभी जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं इनका काम जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। लगभग 6 लाख लोग, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ी संख्या है, तो इससे होगा क्या, उनको मुख्य बाजार से सीधा जोड़ा जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा। तो आपको याद रखना है फ्लिपकार्ट ने ये किया है और कार्यक्रम का नाम क्या है, समर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है, तो अभी 31 जुलाई को जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री ने जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। सॉरी 31 जुलाई नहीं, सॉरी 1 अगस्त है, माफ कीजिए 1 अगस्त, क्योंकि पिछले साल इसी दिन क्या हुआ था, जो 3 तलाक के खिलाफ एक कानून लाया गया था और उसकी याद में ही इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही है। ठीक है, चलिए। ये एक्ट आया था 2019 में, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, तो इसी की याद में इसी की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए क्या किया गया है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस को मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति बनाई है उसके अध्यक्ष हैं मुकुंदकम शर्मा। ठीक है, अब ये जो मुकुंदकम शर्मा हैं ये क्या हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है,
अर्जुन पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इस प्रकार के कई सारे जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इन पुरस्कारों को देने के लिए क्या होता है, एक समिति बनती है और उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो समिति के अध्यक्ष बने हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं मुकुंदकम शर्मा। और अब इस समिति में कौन कौन शामिल है ये भी आप देख सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, सरदार सिंह ये हॉकी से हैं, मोनालिसा बरुआ मेहता ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, दीपा मलिक जो पैरा एथलेटिक्स हैं एथलेटिक्स से हैं, वेंकटेश देवराजन ये मुक्केबाजी से हैं, इस प्रकार ये जो है उस समिति में सदस्य के तौर पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज को। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने बांग्लादेश में नए बिजली संयंत्र के लिए जापानी यूटिलिटी जेरा के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किए हैं अभी रिलायंस पावर ने। रिलायंस पावर ने क्या किया है, बांग्लादेश में 642 मिलियन के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जापानी यूटिलिटी के साथ, ठीक है। और ये परियोजना जो है ढाका से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित जो नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है उससे ये संबंधित है। और इस परियोजना के लिए जो संयुक्त उद्यमी कंपनी है रिलायंस पावर, इसकी हिस्सेदारी कितनी है 51%, और जेरा जो कि जापान की एक कंपनी है उसकी हिस्सेदारी कितनी 49%। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस संगठन की पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक में भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया है। तो अभी किस संगठन की बैठक हुई है, अब आपको नाम बताना है वो संगठन कौन सा है, आसियान, ब्रिक्स, सार्क या संघाई सहयोग संगठन। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें प्रोग्रेस एकेडमी के साथ।